आइए आज अपन लोग देखते हैं प्रयोगशाला में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में देखते हैं किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होगा। देखिए सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए एक आयताकार कांच का गुटका। ये हो गया आपका आयताकार कांच का गुटका। इसके बाद हमें चाहिए ड्राइंग बोर्ड। ये आपकी ड्राइंग बोर्ड हो गया। ड्राइंग बोर्ड के बाद हमें एक सफेद कागज या अपन को सफेद शीट चाहिए होती। एक सफेद शीट चाहने के बाद अपन को क्या चाहिए, ये आपके ड्राइंग पेन होंगी। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पेन होगी। ड्राइंग बोर्ड पेन के बाद आपको चाहिए है आल पेन। ठीक है, ये आल पेन, चार आप आल पेन ले लीजिए। चार आल पेन लेने के बाद आपके पास एक स्केल और आप स्केल के साथ साथ एक पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, आइए प्रयोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये जो सफेद कागज इसे ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, चार पेनों के साथ ड्राइंग बोर्ड पेनों की सहायता से फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद पहला काम ये ड्राइंग बोर्ड में सफेद कागज को फिक्स करना। ठीक है, फिक्स करने के बाद अपन क्या करते हैं, आयताकार कांच के गुटकी को कागज के बीचों बीच रखते हैं। ठीक है, बीचों बीच रखने के बाद क्या करेंगे अपन, एक पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रेखा ड्रॉ होने के बाद इस रेखा का अपन नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए अपन ने ए बी सी और डी, एक ये आयताकार कांच का गुटका हो गया। ठीक है, कांच का गुटका होने के बाद अपन क्या करते हैं, इस पर जो ए बी अपनी अक्ष है, इस अक्ष के परिघ अपन एक किरण आपतित कराते हैं। एक किरण आपतित कराने के लिए लगभग 30 डिग्री के अंश से अपन एक किरण आपतित कराते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया बेटा, एक किरण आपतित करा दिया। ये आने वाली किरण है, इसका नाम दे देते हैं अपन आपतित किरण। और आपतित किरण का नाम दे दिया अपन ने P और Q। अभिलंब डालते हैं, ये आपका एक अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब का नाम दे देते हैं अपन M और N। एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब डालने के बाद जो आपतित किरण है, आपतित किरण में ड्राइंग जो अपनी बोर्ड पेन है, उन दो पेनों को क्या कर देते हैं, आल पेनों को लगा देते हैं दो बिंदु पर, एक और दो। ये दो पेन अपन लगा दिए। ठीक है, दोनों पेन लगाने के बाद पुनः आयताकार कांच के गुटके को इसी गुटके में संयोजित करते हैं। ठीक है, संयोजित करने के बाद पुनः अपन क्या कर देते हैं, अब बेटा हमें पुनः क्या करना है, जो आपकी आलपिने हैं, इन आलपिनों को इस प्रकार से संयोजित करना है। पहली आलपिन को यहां कहीं पिंच करना है। क्यों, क्योंकि ये जो पहली अपनी आलपिन है, ये आपको पीछे की आलपिन दिखाई ना दे, इसके नीचे से संयोजित करना है। देखना है एक बार देख लो अच्छे से। इसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरी आलपिन उठाना है, दूसरी आलपिन को पुनः इसकी कुछ दूरी पर आके फिर संयोजित करना है। इस प्रकार से संयोजित करना है। यदि हम इस आलपिन को देखें तो पीछे की हमें कोई आलपिन दिखाई नहीं देना चाहिए। अब इसे हम पुनः अब देखते हैं क्या क्या ये हमने किया है, सही दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सही है, एक बार और देखिए बेटा, देखो। ठीक है, सही होने के बाद अब हम क्या करते हैं बेटा, ये आयताकार कांच के गुटके को हटाते हैं। हटाने के बाद पहली ये पेन हटाते हैं और इस पर एक बिंदु दे देते हैं। दूसरी पेन हटाने के बाद इसका ना इस पर भी एक बिंदु दे देते हैं। इन दोनों बिंदु देने के बाद
हम क्या करते हैं बेटा, ये दो पेनों को भी हटाते हैं। हटाने के बाद स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं से होते जाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम अपन दे देते हैं, यहां अपन ने दे दिया था PQ, ये हो गया आपका R और S, ठीक है। यहां पर भी क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, क्या करते हैं एक लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया MN था, ठीक है। और इसको अपन S और T दे सकते, R S तो दे दिया है अपन ने, आपका T और U, ये लंब का नाम दे देते हैं। अंत में क्या करते हैं, यहां से आपतित किरण से होते जाते हुए अपन क्या कर देते हैं, एक रेखा दोनों किरणों को मिला देते हैं, Q और R दोनों किरणों को, दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, ठीक है। क्या कर दिया अपन ने, दोनों रेखाओं को मिला दिया। मिलाने के बाद अब हम देखते हैं पुनः क्या करेंगे बेटा, हम देखते हैं जो आने वाली किरण है वास्तविक रेखा कहां से गुजरनी चाहिए, वास्तविक रेखा यहां से होकर जानी चाहिए, ठीक है। मगर ये वहां से ना जाके क्या हुई है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है, क्या हुई है अभिलंब की ओर झुक गई है। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह अपने मार्ग से कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकार हमारा यह प्रयोग सिद्ध होता, ठीक है। धन्यवाद।